हम माँ बाप को नौकर समझते हैं, जब चले जाएं फिर कदर होती है। ये बाजारों में नहीं मिलते, इनका कोई मोल नहीं है, इनका कोई बदल नहीं है। हमारी यार गलती पे वो पर्दा डाल देते हैं, हमसे बर्दाश्त होते। मैं अपनी वालदा माजदा रहमतुल्लाह ताला अलैहा 10 साल हो गए उनकी वफात के बाद जो किताब लिखी थी मैंने, मैंने कहा चलो लोगों के लिए मसाइल भी लिख दूं, हदीसें लिखने बैठा। पहली मर्तबा उस मौके पे मैंने वो हदीस पढ़ी, इत्तफाक से उससे पहले मेरी नजर से नहीं गुजरी थी। मूसा अलैहि सलाम की रिवायत है, उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा हम समझते हैं किसी को कत्ल कर देना, गीबत कर देना, जिना कर लेना, शराब पी लेना है, हम तो इसको समझते हैं। उस हदीस में था सबसे बड़ा गुनाह ये है, माँ बाप बुलाएं और मैं कह दूं मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह। और हमने ये कितनी बार किया होगा, हम तो ऑर्डर चलाते, माँ को कह देंगे सुबह इतने बजे मुझे नाश्ता चाहिए, मेरे कपड़े चाहिए, मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये पकड़ना चाहिए। माँ ये नौकर है, अगर बाप आपकी को करे तो आप कहते तूने क्या किया, तेरे बाप ने भी तो तेरे साथ किया था, यूं आगे बात करते। ये घरों में खराबियां इसीलिए आई हैं कि तरबियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बैहकी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मेरा नाम लेकर बुलाती, मैं नमाज छोड़कर माँ के पास जाता। कितना बड़ा पैगाम मेरे आपके लिए। मूसा अलैहि सलाम मिजाज में तेजी थी, ऊंची बोल लेते थे, जब जाते थे कोहे तूर पर कलाम करने मां पीछे मुसल्ला बिछा लेती थी। या अल्लाह मेरे मूसा के मिजाज में तेजी है, बात करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो माफ कर देना। नबी थे वो मासूम, मां मां होती है, दुआ कर रही है, मां का इंतकाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए, गैब से आवाज आई आज जरा होश से बात करना, पीछे दुआ करने वाली नहीं बैठी। अब पहचानो, पहचानो, हमारे घरों में बेबरकती इसीलिए है कि हमने माँ बाप की कदर बुला दी। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जजाक।